दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे सुंदर सांपों के बारे में जिसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग समंदर के अंदर गोता लगाते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सी स्नेक्स के बारे में। सी स्नेक्स जिसे कोरल रीफ स्नेक और क्रेब के नाम से भी पहचाना जाता है और सी स्नेक ज्यादातर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के यहाँ पर पाए जाते हैं और सी स्नेक के कोबरा फैमिली से बिलोंग करते हैं और पूरी दुनिया में 60 प्रकार की सी स्नेक की प्रजाति पाई जाती है जिनमें से 20 प्रजाति इंडिया में ही पाई जाती है। सी स्नेक को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, थ्रू सी स्नेक और सीक्रेट। और थ्रू सी स्नेक को ऑस्ट्रेलियन कोबरा से रिलेटेड किया गया है और इसके विपरीत सीक्रेट को एशियन कोबरा से रिलेटेड किया गया है। सी स्नेक एक मांसाहारी प्राणी है जो सिर्फ मांस को ही कंज्यूम करते हैं और सी स्नेक ज्यादातर फिश, एग्स, मोलस्क्स और क्रस्टेशियंस को कंज्यूम करते हैं और समंदर में सी स्नेक का शिकार ज्यादातर सी ईगल्स, शार्क्स, ईल्स और क्रोकोडाइल्स करते हैं। ऐसा माना गया है कि सी स्नेक का जहर जमीन पर रेंगने वाले सांपों से ज्यादा जहरीला होता है और जमीन पर रेंगने वाले स्नेक ज्यादातर इंसान और जानवरों को काटते हैं, लेकिन इसके विपरीत समंदर में पाए जाने वाले सांप जो इंसान या जानवर को जल्दी नहीं काटते। सी स्नेक का जहर जो न्यूरोटॉक्सिन और मियोटॉक्सिन से मिला हुआ है जिसके काटने पर किसी भी व्यक्ति की मौत 30 मिनट के अंदर हो जाती है और इसके काटने पर इंसान की बॉडी पेन करना, उल्टियां आना, पसीना आना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। सी स्नेक की प्रजाति में से सबसे जहरीला सांप बीकेट सी स्नेक को माना गया है जिसकी खाली 3 बूंद 8 इंसानों को मार सकती है। पूरे दुनिया में सी स्नेक का एंटी वेनम नहीं बनाया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टाइगर स्नेक का एंटी वेनम को सी स्नेक के एंटी वेनम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वैज्ञानिकों का माना गया है कि आने वाले भविष्यकाल में सी स्नेक की संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है क्योंकि प्रदूषित वातावरण और इंसान की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से। सी स्नेक की कुछ प्रजाति ओविपोरस होती है जो अंडे देती है और कुछ प्रजाति विविपोरस होती है जो बच्चे देती है और फीमेल सी स्नेक इसका प्रेगनेंसी पीरियड 4 से लेकर 11 महीने का होता है और वो निर्भर करता है सी स्नेक की प्रजाति के ऊपर। सी स्नेक समंदर के अंदर तकरीबन 300 फीट गहरा गोता लगा सकती है और वो समंदर के अंदर तकरीबन 1 घंटा रह सकती है और वैज्ञानिकों का माना गया है कि सी स्नेक अपने लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकती है, लेकिन यह विशेषताएं जमीन पर रेंगने वाले सांपों में नहीं पाई जाती। सी स्नेक की साइज और वेट निर्भर करता है सी स्नेक की प्रजाति के ऊपर, लेकिन एक एवरेज सी स्नेक की साइज तकरीबन 3 फीट से लेकर 5 फीट होती है और सी स्नेक की बड़ी प्रजाति के लिए तकरीबन 9 फीट होती है और सी स्नेक का वेट तकरीबन 800 से लेकर 1300 ग्राम का होता है। और वैज्ञानिकों का माना गया है कि हर सी स्नेक का जीवन काल अलग है, लेकिन एक एवरेज सी स्नेक तकरीबन 10 साल तक जी सकती है। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।